Honestly, हम सारे ऐसे छोटे बिजनेस के ताक में रहते हैं जो कि हम घर बैठे बैठे रन कर सके और जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी ना लगे बट ऑनेस्टली ए के आने के बाद ये सब प्रोडिक्ट करना मुश्किल हो गया कि जो बिजनेस आज चल रहा है वो आज के आने वाले पांच साल बाद भी चलेगा या नहीं सो so, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ए प्रूफ आइडियाज के बारे में बात करेंगे यानी कि कुछ ऐसे आइडियाज जिनका ए के आने से कोई फर्क जिनमें नहीं पड़ेगा ऑल्सो ये सारे आइडियाज आपसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे सबसे पहला हमारा जो बिजनेस आइडिया वो है डिलीवरी बिजनेस यार आप लोगों को लगेगा ये स्विगी जोमैटो के जमाने में डिलीवरी बिजनेस का स्कोप कुछ खास लग नहीं रहा लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि स्विगी जोमैटो जैसी जो एप्स हैं वो इंडिया की मेजर थर्टी टू फोर्टी सिटीज में ही हैं इस टाइम पे यानी कि उन तीस चालीस सिटीज के अलावा बहुत सारी ऐसी सिटीज है इंडिया में जहां पर इस बिजनेस का काफी स्कोप है अगर आपकी सिटी में स्विगी जोमैटो ऑलरेडी आ गया है तो आप भी डंजो की तरह अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं काफी स्मॉल स्केल पे यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग ग्रोसरी मेडिसिन एटसेट्रा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक व्हाट्सएप कनेक्शन होना चाहिए एंड अगर आपके पास एक बाइक है स्कूटी है तो आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं यू कैन स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन डिलीवर देम ऑन योर टू व्हीलर एंड स्टार्ट गेटिंग पेड जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा आप खुद डिलीवर करने की जगह डिलीवरी बॉयज हायर कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट डिलीवरिंग फॉर यू आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एक डिलीवरी बिजनेस से आप कितना ही कमा लोगे मतलब कस्टमर कितना ही पैसे दे देगा आपको डिलीवरी के बीस रुपए तीस रुपए इससे ज्यादा तो नहीं इससे ज्यादा पैसे तो डिलीवरी पर्सन का ही लग जाएगा सो लेट मी टेल यू कि आप इस पर कैसे पैसे कमा सकते हो uh, देखो एक तो प्लान ये है कि अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया सही से आपका बिजनेस थोड़ा बहुत भी बड़ा हो गया तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि कोई स्टार्टअप एक आपको एक्वायर कर ले इफ नॉट समी लाइक स्विगी और डांजो मे बी समी टू सी सर्विसेज स्टार्टअप आपको एक्वायर कर सकता है ऐसा अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को प्रोडक्ट बनाना तो आता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लिया अगर आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्कल बना लिया देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो है कोई स्टार्टअप आपको एक्चुअली एक्वायर

यूटेंसिल्स बैग्स शूज एट्सेट्रा एटसेट्रा आप कमीशन कमा सकते हो इन प्रोडक्ट्स को सेल करके इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर लेके इनफैक्ट आपको इन्वेंटरी रखने की भी जरूरत नहीं डिटेल्स लेनी है एंड सेलर को वो डिटेल्स पास ऑन करनी एंड यू कैन अर्न कमीशन बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन व्हाट्सएप इस आइडिया को अगर आप नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे चैनल्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप इससे भी ज्यादा लेवल अप करना चाहते हो तो आप वेबसाइट बना सकते हो लेकिन हाँ इस आइडिया uh, को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी क्योंकि चैनल तो आप बना लोगे लेकिन उसको संभालने के लिए आपको लोग हायर करने पड़ेंगे नेक्स्ट बिजनेस इज इज ओपनिंग अप एन एल्डरली केयर सर्विस यार इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन ऑन द राइज एंड उनका ख्याल रखने के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न फ्रॉम इट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए होगी लेकिन हाँ अपना टाइम आपको बहुत ज्यादा इसमें लगाना पड़ेगा एल्डरली केयर सर्विस में यूजली चार से पांच तरह की सर्विसेज रहती हैं। कंपेनियनशिप मेकिंग शोर दै द इल्डर्लीज टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम मेकंग श्योर दैर दर्डर्ली इज फिजिकली एक्टिव मेकिंग श्योर दट दे आर स्लीपिंग एंड वेकिंग अप ऑन टाइम इसमें दस से बारह घंटे की शिफ्ट रहती है आप महीने का बीस से पच्चीस हज़ार रुपये कमा सकते हो जो लोग थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वो पैंतीस से चालीस हज़ार रुपये भी कमाते हैं जैसे जैसे आपको बिजनेस पड़ेगा यू कैन एक्चुअली स्टार्ट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट हायरिंग पीपल हायरिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड मेक अ टीम आप सारे प्रोफेशनल से हर एक प्रोफेशनल से कमीशन कमा सकते हो इनकी बेसिक बैकग्राउंड चेक ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा करने के बाद यू कैन टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप अपनी कंपनी की एक ऐप या वेबसाइट भी बना सकते हो जिसमें इफ समी वॉन्ट्स सर्विस फॉर सम एल्डर् वो आपके प्रोफेशनल्स को वहाँ से बुक कर सकते हैं सो इन अ वे यू विल बी लाइक अर्बन कंपनी फॉर एल्डर्ली केयर सर्विस नेक्स्ट आइडिया इज ओपनिंग अप एर बी एन बी फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस आइडिया में तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए एयरबीएनबी का नाम तो सबने सुना ही होगा इसमें लोग अपने घरों को लिस्ट करते हैं अगर आप उस शहर में जाते हो आप उस घर को बुक कर सकते हो इन स्टेड ऑफ ए होटल फॉर नॉर्मल फी वी वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस आइडिया फॉर फ्री लास्ट एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स आपको पता है कि इंडिया में हर दिन लाखों कॉन्टेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं लेकिन सबके पास स्टूडियो नहीं है शूट करने के लिए कुछ के पास घर में अच्छी लाइटिंग नहीं है सो सबको एस्थेटिक चाहिए सबको अच्छी लाइटिंग चाहिए एंड अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए उन्हें जगह चाहिए यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू डैम आप एक स्टूडियो बनाइए जिसमें आप इन कॉन्टेंट क्रिएटर्स को आली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो फॉर अ नॉमिनल फी आपको स्टूडियो में अच्छी लाइटिंग माइक सेटअप एंड साउंड प्रूफिंग ऑन ऑल करके देना एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स कैन एक्चुअली बुक योर स्टूडियो एंड मेक कॉन्टेंट यू कैन स्टार्ट चार्जिंग एनी वेर फ्राम फिफ्टी हंड्रेड रूपीज टू टू थाउजेंड रुपीज पर आर एंड अगर आपका कोई स्टूडियो चार घंटे के लिए ले लेते हैं तो आप फ्लैट पांच हज़ार रुपये में उसको अपना स्टूडियो दे सकते हो आप एक छोटे स्टूडियो से शुरुआत कर सकते हो अगर ये सब सही चला देन यू कैन एक्सपैंड अस सिटीज इन फैक्ट यू वन सिटीज लाइक डेली मुंबई में मैंने खुद ऐसे बहुत सारे स्टूडियो देखे हैं सो so, एक और आइडिया अगर आप अपना स्टूडियो नहीं खोलना चाहते तो आप इन सारे छोटे स्टूडियोज को एग्रीगेट करके अपनी ऐप बना सकते हो एंड पीपल कैन स्टार्ट बुकिंग दीज स्टूडियोज फ्राम योर एप एंड यू कैन चार्ज कमिशन फ्रॉम एवरी बुकिंग लास्ट आइडिया इज री सेलिंग सेकेंड हैंड टॉयस। यार इंडिया में ना तीन इवेंट्स पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है एक होता है घर खरीदने पे, एक होता है शादी करने पे और एक होता है न्यू बॉर्न के पैदा होने पर लोग अपने न्यू बॉर्न के लिए बहुत तरह की चीजें खरीदते हैं टॉयज कैरियर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एंड दिस इज द रीजन वाई ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट दीज बेबी प्रोडक्ट्स आर हाईली ओवर प्राइज्ड लेकिन जब आप अपने बच्चों के लिए सब खरीद लेते हो विच इज़ गुड बट कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि इन सब की यूटिलिटी तो यार मतलब जीरो हो चुकी है अब तो किसी काम की नहीं है एंड वो बस आपके घर की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है uh, बहुत सारे जो पाँच से दस परसेंट केसेज में लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेकिन नाइन्टी परसेंट केसेज में वो सारे प्रोडक्ट्स उनके घर पे ही रह जाते हैं एंड घर की स्पेस यूटिलाइज करते हैं एंड उसकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है ऐसे में वॉट यू कैन डू इज यू कैन बाई दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज पेरेंट्स एट 90% परसेंट डिस्काउंट भारी डिस्काउंट पर आप उनसे चीज़ें खरीद सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं पीपल विल भी हैप्पी टू सेल द प्रोडक्ट्स एट नाइन्टी परसेंट डिस्काउंट क्योंकि उनके लिए उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है एंड वो बस पड़े पड़े घर की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेक्स्ट यू कैन डू इज यू कैन लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट एट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट एंड न्यू पेरेंट्स विल भी हैप्पी टू बाई दिस ऑलमोस्ट न्यू टॉयज एट हाफ प्राइस यार ये वाला आइडिया ऑनेस्टली अभी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया है बट ट्रस्ट मी कोई ना कोई बहुत जल्दी करेगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आप इसको ट्राई कर सकते हो पंद्रह से बीस टॉयज बेचकर एंड यू कैन स्केल अप लेटर ऑन सो या दीज द फाइव आइडियाज फाइव ए आई प्रूफ आइडियाज जिनका ए आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए आई आए जाए ये बिजनेसेस चल सकते हैं चलते रहेंगे लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से वाले आइडिया ने सबसे ज्यादा इंट्री किया है ना आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हो टिल देन बी की फायदे